टारगेट प्लेयर लिस्ट को लेकर टारगेट प्लेयर लिस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। जो आप लोग टोटल प्लेयर्स यहाँ पर बोले थे वो आप लोग जरूर से यहाँ पर लिस्ट बनाया गया है, यहाँ पर प्ले लिस्ट भी है, वहाँ पर एक साथ चला दे सकते हैं। और भैया देख लीजिए तो गाइस ऑलरेडी ट्रेड प्लेयर्स भी हम लोगों ने पार्ट पार्ट करके दे रखा है, वो भी जाके देख सकता है। इस वीडियो में आप लोग बोलेंगे तीन हेड कोचेस, नहीं दो नहीं तीन, तीन यहाँ पर हेड कोचेस के नाम सजेस्ट करेंगे, उनमें से किसी को यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपने टीम में लेके हेड कोच के तौर में यहाँ पर दिख सकता है कोलकाता नाइट्स की टीम से। यहाँ पर तो गाइस फैंस तो भैया बहुत ही उत्सुक है ब्रेंडन मैकलम के क्विट के बाद, मतलब यहाँ पर जाने के बाद कि भैया 2023 में यहाँ पर हेड कोच कौन रहने वाले, वो आप लोग जरूर यहाँ पर तीन नाम सजेस्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट है कोलकाता नाइट्स के फैंस के लिए। वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहा है, दबा के लाइक, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मतलब चैनल में स्पेशल है नए कोलकाता नाइट्स ऐसे ही अपडेट्स पाने से, तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब बेल लिंक को प्रेस कर लीजिए। करिए अभी आप लोग हमारे चैनल के सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। 2022 से यहाँ पर जो ब्रेंडन मैकलम जब से यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर कोलकाता का हालत तो भैया ऐसे हो भैया क्या ही कहे, मतलब यहाँ पर टेंशन में पड़ गए कि भैया 2023 में यहाँ पर किसको हेड कोच के तौर में ले जाया जाए। और भैया तीन बड़े नाम यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में तो जरूर बोलेंगे। और ब्रेंडन मैकलम को कहीं ना कहीं मैं भैया एक भैया स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया थैंक यू। हाँ भैया आप लोग भी बोल दीजिए थैंक यू, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ साल इनके ओके बढ़िया हेड कोचिंग किया था, यहाँ पर हो ना हो भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से हेड कोचिंग किया था, मैं तो यहाँ पर इनको सपोर्ट करूंगा। और भाई ये तीन प्लेयर्स मतलब तीन हेड कोचेस आप लोगों को जरूर से परोसेंगे। पहले इस लिस्ट में है भैया एबी डिविलियर्स नहीं तो भैया एबी डिलीवर्स स्टैंड में, ये तो भैया डिलीवर्स करते हैं ऑलरेडी। भैया इनके ऊपर अपडेट्स आ रहे थे कि भैया एज अ प्लेयर तो ये भैया बैक आएंगे ना, तो भाई एज अ हेड कोच के तौर में इनको कहीं ना कहीं ले लीजिए। कोलकाता से अपडेट्स आ रहे हैं कि भैया इनके ऊपर दाव लगा लीजिए। हाँ भैया लगा लीजिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके ऊपर दाव लगा लेके जाएंगे भैया। बड़े प्लेयर्स के ऊपर ऑलरेडी दाव तो लगाते हैं, बड़ा हेड कोच भी एक बार ही मिलता है, तो गाइस कहीं ना कहीं हाथ मार लीजिए। आरसीबी भी पीछे इनके रहेंगे और कोलकाता भी लगे पड़े रहेंगे, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस के तौर में बहुत ही बढ़िया रहेंगे। दूसरे नंबर पे आए यहाँ पर यूसुफ पठान। हाँ भैया इनके ऊपर भी अपडेट आ रहा है कि भैया यूसुफ पठान ने बयान दिया कि भैया यहाँ पर मैं कोलकाता का यहाँ पर हेड कोच के तौर में आना आ सकता हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट्स इसको भैया इस बात को नजरअंदाजी नहीं करके यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं भैया हाथ मार सकते हैं, क्योंकि भैया ये भी भैया एक्सपीरियंस के तौर में बहुत ही बढ़िया है एज अ प्लेयर बोले एज अ हेड कोच बोले अगर आते हैं तो तीन नंबर लास्ट यहाँ पर जो है हेड कोच आप लोग बोलने वाले हैं। इनके ऊपर एक्सपीरियंस तो बहुत ही बड़ा है और भैया केकेआर के ऑलरेडी कोच रह चुके हैं। यहाँ पर डेविड हसी की बात कर रहा हूँ, हमें ठीक से ना डेविड हसी बहुत ही बड़े यहाँ पर जो है बैटिंग कोच थे ऑलरेडी, बहुत ही बड़े कोच है आप लोग पता है डेविड हसी यहाँ पर एक्सपीरियंस है कोलकाता का ऑलरेडी रह चुका है, तो भैया कहने के समझते हैं हेड कोच के तौर में लाएंगे तो भैया कहने के फायदा भी दिख सकता है। तो गाइस ऑलरेडी आप लोगों ने जो एक नहीं दो ने तीन तीन यहाँ पर हेड कोचेस के नाम सजेस्ट करे, इन्हीं में से किसी एक को भैया केकेआर यहाँ पर कहने के हाथ मारेंगे, मतलब भैया यहाँ पर मोहर लगाने के लिए जाएंगे हेड कोच के तौर में। तो गाइस आप लोगों इन तीन हेड कोचेस में से कौन सा अच्छा लगा जरूर से कॉमेंट करके बता दीजिएगा, और भैया आप लोग मतलब कौन सा अच्छा लगा वो तो जरूर कॉमेंट करके बताएगा, और आप लोग हमारे तीन कोचेस से सजेस्ट यहाँ पर सहमति है तो भैया वो भी कॉमेंट करके बताएगा, फीडबैक शेयर करिएगा जरूर। और आप लोग वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बल्ला लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लिंक को प्रेस कर लीजिए। एक बार आपको क्रिकेट से कुछ आईपीएल से कुछ मतलब मिलती रहती है भैया। तो गाइस आज के इतना ही, मिलता है और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।